नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्वाइन सिंगम अगेन का जो है ट्रेलर आ गया भाई। मैं तो उसे ट्रेलर नहीं बल्कि ट्रेलर का बाप बोलूंगा। और इसके अलावा भाई, ये जो ट्रेलर है ये बॉलीवुड का भाई सबसे लंबे से लंबा ट्रेलर है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन ये 5 मिनट का बन रहा है। हाँ यार, 4 मिनट 45 सेकंड यानी ऑलमोस्ट 5 मिनट से हो गए यार। इतना बड़ा ट्रेलर और इसमें ऊपर से मास एक्शन एंटरटेनमेंट, डायलॉग बाजी और एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं यार। एकदम ये जो 4 मिनट 45 सेकंड का जो ट्रेलर है, ये तो मैं सारे ट्रेलर का बाप ही बोलूंगा। और यार इसमें यार क्लास की यार जो है डायलॉग बोले गए हैं, क्लास की एक्टिंग की गई है भाई। हर किसी का अपना ही रोल है, एकदम जो है मतलब फुल एंटरटेनमेंट के साथ एक्शन पैक्ड गूज बम्प है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई ये जो ट्रेलर है अजय देवगन की इस मूवी का भाई, एकदम जो स्टार्टिंग की बात करें तो भाई मैं ऐसे कलयुग की रामायण ही बोलूंगा। और यार इसमें जो डायलॉग है एक से एक मस्त डायलॉग है। जैसे कि भाई रावण बोलता है कि भाई जो है ये कलयुग है, इस पे जो जीत है वो रावण की होती है। लेकिन उसी का जो है जवाब मिलता है भाई, जो है अच्छाई सच्चाई भाई जो है किसी युग की मोहताज नहीं होती। मतलब एक एक चीज एकदम जो है परफेक्ट है। और जो भी भाई एक एक जो सीन है, एक एक जो क्लिक्स है, एक एक जो ग्लिम्स है, वो भाई देखती है तो एकदम जो है दिल एकदम बले बले सा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम जो है क्लास की यार एक्टिंग की गई है यार। अगर बात करें भाई जो है इस मूवी की स्टोरी की, तो भाई अभी इस कलयुग के वक्त में यार, पहले तो यार अजय देवगन को जो है चैलेंज दिया जाता है कि भाई अगर आपकी जो है इस वक्त जो है सीता इसी तरह रामायण की तरह चली जाती है तो आप क्या करेंगे। तो भाई उसने यार इतना प्यारा डायलॉग बोला, भाई तू भाई गूगल पे सर्च कर तुझे पता चलेगा कि भाई तेरा बाप क्या चीज है। मतलब एक एक चीज पावर पैक्ड यार, एक्शन पैक्ड के साथ, यानी एक एक डायलॉग एकदम मस्त सा डायलॉग है। और ऊपर से यार ये जो दीपिका पाडुकोण की एक्टिंग यार क्या बात है। दीपिका पाडुकोण ने तो भाई एकदम जो है दिल ही जीत लिया है। और वो इसमें यार जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे अजय देवगन के बहुत ही बड़े फैंस होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब इसी मूवी के अगर जैसे कि हमारे जो रामायण है उसके रियल हीरो जो है श्री रामचंद्र, तो भाई इसी मूवी की जो रियल हीरो है ये अजय देवगन ही है। और इसमें यार जो इनकी टीम है, इनके अगर अलग अलग मूवीज को देखा जाए भाई, रोहित शेट्टी की भाई, स्कोप यूनिवर्स की, भाई एकदम जो है क्लास की मूवी है। तो भाई सारे कैरेक्टर्स इसमें जो है मिक्स हो गए। और जो इसमें वर्क कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अजय देवगन के अंडर में काम करें। और यार हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर होता है, अपना अपना जो है वे ऑफ टॉकिंग, एकदम जो है एक्शन पैक्ड गूज़बम्प। वैसे यार जो है बाजीराव सिंघम हो गए, सूर्यवंशी हो गए, अक्षय कुमार, और इसके अलावा भाई जो है सिम्बा रणवीर सिंह, ये तो आगे। इसके अलावा भाई जो है दो और जो कैरेक्टर ऐड किए ना, एकदम जो है आउट क्लास के हैं, जैसे कि जो है सत्या, और इसके अलावा भाई जो है दीपिका पाडुकोण शक्ति शेट्टी। भाई वो जो एरिया होता है वो शक्ति शेट्टी का होता है, एकदम उनकी जो है स्पेशली जो कार वाली जो उनकी जो स्टंटिंग दिखाई गई है, उनकी जो एक्शन की सीक्वेंस दिखाई गई है, एकदम क्लास की है भाई। लोगों ने भाई जो भी जहाँ पे भी यार ये जो ट्रेलर अभी चला है, जिसने भी देखा है, काफ़ी सारे जो है मेरी तरह जो व्यूज के दीवाने होती हैं उनको तो भाई इस चीज़ का भाई जो है वेट ही रहता है भाई। जो जो देख रहा है उनमें एकदम जो है सरप्राइजिंग, एकदम अमेजिंग से कमेंट्स जो मिल रहे हैं। बंदा वर्बली देखे, फीलिंग्स उनके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते जैसे ही इस ट्रेलर को देखते हैं भाई। बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर बड़े से लेकर हर कोई भाई जो है इस ट्रेलर को लेके एकदम बहुत ही एक्साइटेड है। और भाई अभी सबको एक ही चीज़ का इंतजार है भाई, आने वाली इसी मूवी का, क्योंकि भाई अब ये जो मूवी है एकदम जो है रामायण से रिलेटेड है। इसकी भाई सारी कंपेरिजन है वो भी रामायण से की गई है। अभी पता चला कि भाई जो है ये मूवी इतनी डिले हो के भाई जो है दिवाली को क्यों रिलीज होने जा रही थी भाई। This is also part of the makers प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी भाई, ये मेकर्स की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी। तो भाई इस मूवी की ऐसे 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 हाइप क्रिएट करके और फाइनली यार दिवाली के मौके पे जो है इस मूवी को रिलीज किया गया, क्योंकि भाई इसकी जो स्टोरी है टोटली भाई जो है रामायण से रिलेटेड है। और रामायण दिवाली के दिन भाई जो है श्री रामचंद्र जो है अयोध्या लौटते हैं, तो भाई ये स्टोरी भी भाई तकरीबन उसी टाइप की है, रामायण से रिलेटेड है, कलयुग की रामायण के जैसी ही है। तो भाई इसीलिए जो है मेकर्स ने भाई जो है एकदम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझ के भाई जो है इसको दिवाली के दिन ही रिलीज कर दिया। क्या प्लानिंग है मेकर्स की भाई, सल्यूट है आपको। और ऊपर से यार 4 मिनट 45 सेकंड्स की यार जो है एक्शन पैक्ड पावर पैक्ड डायलॉग बाजी, एकदम जो है ऐसी प्यारी सी सीक्वेंस दी है, एकदम जो है भाई मजा ही आ गया यार। क्या बात कहूं यार, मेरे लिए मेरे पास तो भाई इसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्डिंग नहीं है यार। इतना बढ़िया यार ट्रेलर भाई, इसकी बज इसकी हाई एकदम, अभी जो है एकदम इसका जो ग्राफ ऐसे जा रहा था तो आज ऐसे ही चला गया है, इसमें कोई डाउट नहीं भाई।
अभी हर कोई जो है इस मूवी को देखना चाहता है। पहले तो यार यही फीलिंग आ रही थी यार क्या होगा इसमें, सारा बॉलीवुड ही गुस्सा हुआ है, कौन एक्शन मारेगा, अजय देवगन मारेगा, अक्षय मारेगा या रणवीर सिंह मारेगा, कौन मारेगा। ऊपर से यार जो है रही हुई दीपिका पाडुकोण की थी भाई, मैं भी उनका बहुत ही बड़ा फैंस हूँ यार, जो है टाइगर श्रॉफ की थी एसीपी सत्या, जो मतलब कौन कौन क्या क्या करेगा। लेकिन जब से इसका ट्रेलर आया है एकदम जो है इसका जो है सारा इसको देखने का, इसको भाई जो है इसी मूवी के जो है आने का जो लोगों का जो सोचने का नज़रिया था, जो मूवी को इस एंटरटेनमेंट को एंजॉय की जो फीलिंग्स थी, वो सारी फीलिंग्स ही चेंज हो गई एकदम जो है, भले भले सा हो गया, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया यार इस ट्रेलर को देख के। अभी सबको इंतजार है इसी मूवी के रिलीज होने का, जी हाँ दिवाली के दिन जो है सबको इसी मूवी के रिलीज होने का इंतजार है भाई। मैं यार इस मूवी को यार देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। आप कितनी हैं यार, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और आपको यार जो है सबसे अच्छे से अच्छा डायलॉग कौन सा लगा ट्रेलर का, यार मुझे सारे डायलॉग जो है एक्शन पैक्ड सीक्वेंस एकदम जो है क्लास की लगी। और उसमें यार जो है विलन को भी एकदम जो है एकदम खतरनाक सा विलन ही दिखाया गया है, और वहां पर यार उसी जो है एरिया में जाना ही एकदम जो है मुश्किल है। और दूसरी यार मेन चीज ये कि भाई जो है इसमें रामायण की जो है कुछ हिस्टोरिकल बेसिस, जो सीता मैया का टेम्पल है, जो हमारी ट्रेडिशनल थिंग्स हैं ओल्ड, वो भी इसमें जो है शेयर की गई है। ऊपर से यार एक्शन पैक्ड, ऊपर से यार मस्त डायलॉग, ऊपर से यार अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ट्रेंड्स और एंटरटेनमेंट एक्शन पैक्ड यार। इस दिवाली तो भाई हो ही गया सिंघम अगेन भाई। भाई अभी इसका जो अगर क्लैश होने जा रहा है, बात करें क्लैश की, तो भाई मुझे तो लगता है कि भाई अभी सिंघम अगेन का जो है पलड़ा एकदम बहुत ही भारी लग रहा है भाई। रोहित शेट्टी की ये कोप यूनिस की ये मूवी एकदम छा गई। आपका क्या ख्याल है, आप भी अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि यार हमें भी पता चले कि यार जो है आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपको ये कैसी लगी। अपनी फीलिंग यार जरूर शेयर कीजिएगा, यार मुझे तो एकदम मस्त लगी, नो वर्ड्स टू शेयर अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।